क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 साल बाद लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा बयान सामने आया है जो सुनकर आप भी हैरान रह जाइएगा। लालू प्रसाद यादव का वह बयान हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति मौसम की तरह फिर गर्माती हुई नजर आ रही है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए 8 साल बाद लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सदाकत आश्रम पहुँचते हैं और कनेक्शन ऐसा कि मानो कि पहले से ही गेठी बंधा हुआ है और वह टूटने का नाम नहीं ले सकता है। ये एक भाषा है गेठी का, जो गांठ बांधा जाता है। लेकिन देखिए जो सीएम नीतीश कुमार को अब किनारा कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को गोद में लेकर खिला रहे हैं, 12 मिनट का वो भाषण लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के राहुल गांधी का तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और वहीं नीतीश कुमार को किनारा कर दिया है। आखिर क्या चल रही है बिहार के राजनीति में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीएम नीतीश कुमार भी साफ तौर से बिहार की राजनीति को जानते हैं और कब क्या खेलना है, कब किस प्यादे को बाहर निकालना है, वो सीएम नीतीश से बेहतर बिहार की राजनीति में कोई नहीं जानता है। अब लालू प्रसाद यादव की जेल जाने की बात क्यों किया जा रहा है, तो बिल्कुल लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के मंच से एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। उस बयान में अब लालू प्रसाद यादव फंस सकते हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जब रांची के जेल में सजायाप्त थे तो उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बयान खुले मंच से कांग्रेस के सदाकत आश्रम में वो बयान दिया है कि जब मैं जेल में था तो अखिलेश सिंह मेरे पास फ़ोन किए थे कि मिलने आए थे किसी सीट को लेकर, उन्होंने बातचीत किया था, मैंने सोनिया गांधी को जेल से ही फ़ोन लगाया। अब देखिए जेल से फ़ोन लगाने का मतलब सोनिया गांधी से उन्होंने बात की, साफ तौर से लालू प्रसाद यादव ने यह बात कहा है। अब उनके लिए यही बयान यानी अपनी तारीफ करते करते लालू प्रसाद यादव खुद फंस गए, और फंसेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अधिनियम के हिसाब से जेल मैनुअल के कानून के हिसाब से कहा गया कि अगर जेल में किसी तरह का कोई फ़ोन मिलता है या बातचीत करते पकड़े जाते हैं तो 3 से 4 साल की सज़ा और 40 से 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगता है। अखिलेश मांग के नहीं बने हैं एमपी, इनको जबरदस्ती हम बनाए हैं अखिलेश को। हम रांची जेल में थे, मिलने गए थे, दूसरे के लिए गए थे, दूसरे के लिए एमपी बना दिए कांग्रेस पार्टी, हम लोग तो ही बन जाओ। और माननीय सोनिया गांधी जी को वहीं से टेलीफोन किया हमने, कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को फोन किया, अहमद भाई को फोन किया, अहमद भाई को कि हम इनको क्लियर करिए, हम इनको बनाते हैं हम राजसभा, वही राज्यसभा के एमपी के रूप में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना कंटिन्यू। अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर बीजेपी जमकर निशाना साध रही है। बीजेपी साफ तौर से कह दिए कि लालू प्रसाद यादव किसको ठग रहे, लालू प्रसाद यादव किसको बुर्वक बना रहे, लालू प्रसाद यादव पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से राजनीतिक तुल पकड़ रहा है, लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे आगे और चर्चा का विषय बन रहे, जो बीजेपी के लिए खतरा का घंटी है और इसे गंवाना नहीं चाहेगी बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से चर्चा और कयास लगाया जा रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, और इस किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दंगल में वो पीछे रह सके, क्योंकि इस बार लड़ाई आर पार की है और बिहार की राजनीति में खुद महागठबंधन यानी नीतीश और तेजस्वी यानी चाचा भतीजे की सरकार में क्या उलटफेर होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का प्रेम राहुल गांधी के प्रति, और सीएम नीतीश कुमार भी समझ रहे, सीएम नीतीश कुमार भी समझ रहे और चीज़ों को जान रहे, और वह भी पीछे हटने वाले में से नहीं है। अगर लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे और राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बीजेपी का मास्टर स्टॉक क्या होगा। लालू प्रसाद यादव अपनी तारीफ करते हुए खुद फंस गए, जेल से सोनिया गांधी को फ़ोन करना व लालू प्रसाद यादव उस मंच से खुद करें। अब कानून के हिसाब से साफ तौर से बीजेपी ने साफ तौर से कहा कि इन पर कार्रवाई किया जाए, जेल में आखिर ये इनको फ़ोन किसने दिया, इन्होंने क्यों बात किया, वह गलत है, अधिनियम और कानून सब के लिए एक होता है, और ऐसे ही जो चर्चाएं हैं वो तेज़ हो गई है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस सदाकत आश्रम 8 साल बाद पहुंचते हैं और वहीं से अपनी तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ में खुद फंस जाते हैं।